हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे जो भी सवाल आपको बताया जाएगा वो आपका BBMK यूनिवर्सिटी तथा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के पिछले सालों के क्वेश्चन को बताया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग BBMK यूनिवर्सिटी के लास्ट 4 सालों के सवाल को देखने वाले हैं, साथ में हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लास्ट 8 साल के सवाल को देखेंगे। लेटेस्ट वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा जो इस वर्ष आपका एग्जाम हुआ है सेमेस्टर 4 का, ठीक है। तो एग्जाम में जाने से पहले वीडियो को एक बार कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जाम में बहुत सारे सवाल जो है वो रिपीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं BBMKU का। ओके, पहला जो सवाल है वो आपका 21-23 में पूछा गया सवाल रहने वाला है। देखिए यहाँ पे जो पहला सवाल पूछा गया था वो ये था कि जेंडर नॉर्म्स आर सेट बाय, यानी कि लिंग मानदंड निर्धारित किए जाते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी यानी कि सरकारी अधिकारियों द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है द इंडिविजुअल हिमसेल्फ एंड 4 है ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता होगा कि लिंग जो है वो आपका एक सामाजिक संरचना है, समाज के द्वारा बनाया गया एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आपका सोसाइटी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल था पाठ्य पुस्तक में लिंग से संबंधित जानकारी शामिल होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो जानकारी है वो कैसा शामिल होना चाहिए, ऑप्शन 1 है जैसा कि यह समाज में प्रचलित है, सेकंड ऑप्शन है लिंग समानता को बढ़ावा देने के तरीके से, लिंग संबंधी कोई भी जानकारी शामिल नहीं करना, एंड 4th है नन ऑफ दीज। तो देखिए जो टेक्स्ट बुक है उसमें अगर हम बात करें जेंडर को शामिल किया जाए तो उसका एक ही दृष्टिकोण रखा जाए कि लिंग समानता को बढ़ावा देने के तरीके से, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड सवाल है आपका द सेकेंड सेक्स इज रिटन बाय हुम, यानी कि द सेकेंड सेक्स जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो सिमोन डी वेबायर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है आपका संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, यौन तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। तो आर्टिकल 15 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 14 से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, यहाँ से भी एक MCQ जनरली देखा जाएगा जो कि विधि के समक्ष यानी कि कानून के समक्ष व्यक्तियों के समानता के बारे में बात कही जाती है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 और 15 आप लोग याद रखिएगा। पांचवा जो सवाल है वो है आपका महिला तथा पुरुष में भेदभाव का कारण है शैक्षिक पिछड़ापन, सेकंड ऑप्शन है आपका जाति व्यवस्था, थर्ड है धार्मिक मान्यताएं एंड इनमें से सभी। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरे साल के क्वेश्चन को देखते हैं, ये है आपका 20-22 सेशन का क्वेश्चन। इसमें पहला जो सवाल पूछा गया था वो है आपका दहेज निषेध अधिनियम कब बनाया गया था। तो दहेज निषेध अधिनियम जो है वो आपका 1961 में बनाया गया था, ठीक है, 1961 में इसे जो है बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका प्रसव पूर्व नैदानिक परीक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 1994। व्यक्तिगत राजनीतिक है यानी कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, यह नारा किस नारीवादी का विचारधारा है, उदारवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, पर्यावरणीय नारीवाद और उग्रवादी नारीवाद। तो उग्रवादी नारीवाद यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है स्वयं के लिंग की व्यक्तिगत समझदारी, इसको क्या कहेंगे, लिंग पहचान, लिंग भूमिका, लिंग संबंध और लिंग विभाजन। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जेंडर आइडेंटिटी यानी कि लिंग पहचान, ठीक है। पांचवा सवाल है आपका संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमें विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। कुछ देर पहले मैंने आपको इसका जवाब बताया था, तो इसका करेक्ट जो जवाब हो जाएगा वो होगा आर्टिकल 14, ठीक है। चलिए अब तीसरा साल का क्वेश्चन को देखते हैं, यह है आपका 2019 और 2021 में पूछे गए सवाल। तो इसमें पहला जो सवाल पूछा गया था वो है बाल विवाह अवरोध अधिनियम में विवाह के लिए लड़कियों की आयु निर्धारित की गई है, सभी को इसका जवाब पता होगा 18 साल, पहले था 14 इयर्स, उसके बाद इसको बढ़ा के जो है वो 18 साल किया गया। किस अनुच्छेद के अनुसार संविधान विधि के समक्ष सभी को समान स्थिति प्रदान करता है।
तो आर्टिकल 14। कुछ देर पहले आपको दूसरे सेशन में ये क्वेश्चन देखने को मिला था, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो रिपीट किया गया है। तो आर्टिकल 14 और 15 आपको याद करना है। ओके, अगला सवाल है आपका, किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का एक बारीक जाल है, सोसाइटी इज द कॉर्ड ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। यहाँ पे कभी कभी आपको नेट भी देखने को मिल जाता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मैकाइवर। ठीक है, मैकाइवर ये आपका ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन डी है आपका, लोक जुम्बिस का क्या अर्थ है, इससे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, या फिर शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। तो लोक जुम्बिस का अर्थ है शिक्षा के लिए लोगों का आंदोलन, ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सभी के लिए शिक्षा के लिए लोगों का जो है वो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर ए है, सती प्रथा को दंडनीय अपराध कब घोषित किया गया, तो सती प्रथा को जो है वो दंडनीय अपराध आपका 4 दिसंबर 1829 को किया गया था। ठीक है, ये ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1 वाला। अब चलिए लास्ट जो साल का क्वेश्चन है उसको देखते हैं, फोर्थ ईयर का, ये आपका 2018-20 सेशन का क्वेश्चन है। इसमें पहला जो सवाल पूछा गया था वो ये है आपका, पितृसत्ता का शाब्दिक अर्थ है, पैट्रियार्की का जो अर्थ है यहाँ पे रूल ऑफ द फादर यानी कि पिता का शासन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष यानी कि द वुमन एम्पावरमेंट ईयर जो कहा जाता है, तो वो आपका ऑप्शन बी यहाँ का 2001 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी का यहाँ पे 2001 यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। स्वयं के लिंग की व्यक्तिगत समझदारी को क्या कहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, पहले भी इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, तो इसका हो जाएगा जेंडर आइडेंटिटी यानी कि लिंग पहचान। क्वेश्चन डी है, इन ए जेंडर फ्रेंडली क्लासरूम, देखिए यहाँ पे जो है इस ऑप्शन का आपको इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है क्लियरली विजिबल नहीं होगा, हम आपको पढ़ के बता देते हैं। ठीक है, इन ए जेंडर फ्रेंडली क्लासरूम यानी कि लिंग के अनुकूल कक्षा में, ठीक है, तो लड़कों तथा लड़कियों को अलग अलग बैठाना चाहिए, लड़कों को अधिक अवसर देना चाहिए, लड़कियों को अधिक अवसर देना चाहिए। इसके अलावा ऑप्शन है, लड़कियों तथा लड़कों को कक्षा की स्वच्छता के रखरखाव में बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है यानी कि 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, लड़कियों तथा लड़कों को कक्षा की स्वच्छता के रखरखाव में बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो बात की गई है वो है जेंडर इक्वलिटी के बारे में। ठीक है, जेंडर फ्रेंडली का मतलब ही होता है जेंडर इक्वलिटी, उसका जो है वो यहाँ पे सिनोनिम्स दिया गया है। चलिए, ई क्वेश्चन नंबर है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ये आपका 1961 करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने BBMK यूनिवर्सिटी के लास्ट 4 ईयर के सवालों को देखा। ठीक है, अब हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लास्ट 8 साल के सवाल को देखने वाले हैं। ये है आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का 22-24 का सवाल, ठीक है, जो इस वर्ष आपका एग्जाम में पूछा गया था। पहला जो सवाल है वो है आपका, लिंग स्थिरता के विकास का पहला चरण है जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर लेबलिंग, जेंडर कंसिस्टेंसी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जेंडर लेबलिंग, यहाँ पे 3 जो है वो चरण देखने को मिलता है जेंडर कंसिस्टेंसी का। ओके, तो यहाँ पे पहला जो स्टेप है वो है आपका जेंडर लेबलिंग। सेकंड जो सवाल पूछा गया था वो है आपका, राष्ट्र महिला आयोग की स्थापना जनवरी में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 जनवरी 1992 यहाँ पे सही हो जाएगा। लिंग संवेदनशीलता के विपरीत है, द अपोजिट ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी इज जेंडर एनालिसिस, जेंडर ब्लाइंडनेस, जेंडर इनइक्वलिटी, जेंडर पैरिटी। तो यहाँ पे आपका जो है वो लिंग समानता ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन डी है आपका, राष्ट्र महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया था, तो राष्ट्र महिला आयोग अधिनियम 1990 को पारित किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कितने समूहों में बांटा गया है, तो दोस्तों देखिए इसका जो आंसर है वो कहीं कहीं 3 देखने को मिलता है, कहीं कहीं 2 देखने को मिलता है, लेकिन
तीन जो है वो यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल है, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है वो टू करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 2021-23 का सवाल, इसमें क्या क्या पूछा गया था। तो पहला जो सवाल है वो है आपका, राष्ट्र महिला सशक्तिकरण मिशन कब शुरू किया गया था। तो 15 अगस्त 2011। तो यहाँ पे देखिए 15 अगस्त 2011 ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली जो सभी ऑप्शन है वो गलत दे रखे हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ टिक करना होगा तो 2010 को आप लोग टिक कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक्यूरेट देखा जाए तो चारों जो है वो यहाँ पे ऑप्शन इनकरेक्ट है, गलत है। ऑप्शन बी है सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखा था। तो अन ओकाले, ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन टू बी का ऑप्शन टू सही हो जाएगा। तीसरा है आपका, कम्युनिटी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम म्यूनस बोथ वन एंड टू। तो यहाँ पे दोनों जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कॉम एंड म्यूनिस दोनों शब्दों से मिलकर कम्युनिटी बना हुआ है। लिंग असमानता का कारण है, जेंडर इनइक्वालिटी का क्या रीजन है, धार्मिक, सांस्कृतिक, जैविक, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे ये सभी जो है वो यहाँ पे मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है। इनके कारण जो है यहाँ पे लैंगिक असमानता देखने को मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन ई है कि घरेलू हिंसा से बचने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लागू किया गया था, 2006 में, 2007 में, 8 में या 10 में। तो 2006 जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 2022 के सवाल को। पहला जो सवाल पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक साल। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कहा गया है कि सभी को शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, सभी को शिक्षा का अधिकार है, ये बात कब कहा गया है, किस आर्टिकल में। तो आर्टिकल 26 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन सी है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समान स्थिति या समानता की बात करता है। मैंने पहले भी आपको बता दिया है इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 एंड 15 जो है आपको अच्छे से याद करके रखना है। दहेज निषेध अधिनियम, देखिए ये भी आपका रिपीट हुआ है, तो इसका हो जाएगा 1961। सुप्रीम कोर्ट ने दिए साल में विशाखा गाइडलाइंस, यानी कि किस साल में जो है वो विशाखा गाइडलाइंस जो है वो दिए थे। तो 1997 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 1921 के दौरान कौन सा सवाल पूछा गया था विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में। तो पहला जो सवाल है वो है आपका, महिला उत्तराधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, 2005, 1956, 2004 और 2003। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 2005, ऑप्शन वन, ठीक है। सती प्रथा का अंत किसने किया, सबको पता होगा, राजा राम मोहन राय। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1856 को। क्वेश्चन डी है, बाल विवाह का अंत किसने किया। तो बाल विवाह का अंत में जो मुख्य भूमिका है वो आपका राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन जी का आता है। क्वेश्चन ई है आपका, नारीवाद आंदोलन का काल किसे कहा जाता है। तो मुख्यतः 19वीं शताब्दी एंड 20वीं शताब्दी के मध्य काल को जो है वो नारीवाद आंदोलन का काल कहा जाता है। अब देखते हैं 18-20 के सवाल को। तो पहला सवाल पूछा गया था इस ईयर में कि स्त्री की लज्जाभंग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की धारा है, सेक्शन 354, सेक्शन 366, सेक्शन 376 एंड सेक्शन 498, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेक्शन 354 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन वन। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था, बाल विवाह अवरोध अधिनियम में विवाह के लिए लड़कियों की आयु निर्धारित की गई है 18 साल, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। राज्य में लैंगिक भूमिका संबंधित चुनौतियां किस क्षेत्र में देखी जाती है, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन डी है आपका, घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया। तो घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो 2005 में देखने को मिला था, ठीक है। ई का है आपका, नारीवाद का प्रमुख सिद्धांत इनमें से किसे माना गया है, लिंगभेद सिद्धांत, लिंग असमानता सिद्धांत, लिंग उत्पीड़न का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 17 से 19 के दौरान कौन कौन सा सवाल जो है पूछा गया था।
तो पहला जो सवाल है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन देखिए 3 बार रिपीट हुआ है 8 मार्च को। आर्टिकल 42 किससे संबंधित है, तो मैटरनिटी रिलीफ से संबंधित है, प्रसूति अवकाश से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका, किसने कहा विद्यालय को ऐसा सामाजिक आविष्कार समझना चाहिए जो कि समाज के बालकों के लिए विशेष प्रकार का शिक्षण प्रदान करने के लिए हो, स्मिथ, ओटावे, जॉनसन और मैक्स वेबर। ठीक है, तो यहाँ पे सी का जो है वो ओटावे करेक्ट हो जाएगा, केसी ओटावे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, किसने कहा रूढ़िबद्धता जो है एक समूह के प्रति पूर्व कल्पित मतों का संकेत करती है, तो यहाँ पे जहोदा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समाजीकरण का कारक है पालन पोषण, निर्देश, आत्मीकरण एंड ऑल ऑफ दी एबव, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी एबव जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 2016 से 18 के दौरान कौन सा सवाल पूछा गया था। पहला जो सवाल है वो आपका है, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है सभी समाज हेतु, पारिवारिक सुख शांति हेतु, वित्तीय सुदृढ़ता हेतु, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बी है आपका, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को रोकने हेतु घरेलू हिंसा प्रतिषेध अधिनियम बना, तो देखिए ये जो नियम बना था वो 2005 में बना था, लेकिन इसको लागू जो है वो 26 अक्टूबर 2006 को किया गया था, तो दोनों डेट आपको याद रखना है। किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का एक बारीक जाल है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, मैकाइवर इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन टू। क्वेश्चन डी है, निम्न में कौन महिला उन्नयन यानी कि वुमेन्स प्रोग्रेस से रिलेटेड जो है वो नहीं है, शारदा समिति, हंस मेहता समिति, दुर्गाबाई देशमुख समिति, भक्त वत्सलम समिति, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा शारदा समिति। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो वुमेन्स प्रोग्रेस से रिलेटेड नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, असमानता की समाप्ति हेतु तो किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है, पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान हेतु समान कार्य हेतु समान वेतन, तो ये आपका जो है वो आर्टिकल 39 के जो सब ग्रुप है घ, उसमें कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 39 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 2015 से 17 के दौरान कौन कौन सा सवाल पूछा गया था। तो पहला जो सवाल है वो आपका, कौन सा कारण जो महिला शिक्षा के विकास में बाधक है, तो गरीबी, बाल विवाह, कन्या विद्यालय की कमी, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज जेंडर बाइस यानी कि लिंग पूर्वाग्रह क्या है, इसी को जेंडर इनइक्वालिटी या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपका, पुरुष और महिला साथ समान व्यवहार, ये आपका इक्वलिटी का बात हो गया। पुरुष और महिला को समान अवसर प्रदान करना, ये भी इक्वलिटी का बात हो गया। थ्री वाला बोथ वन एंड टू गलत है। फोर वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, पुरुष और महिला के साथ असमान व्यवहार करना, इसी को जेंडर इनइक्वालिटी या जेंडर बायस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। वेयर इज सोशलाइजेशन फाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से समाजीकरण कहाँ होता है, परिवार में, विद्यालय में, मित्र समूह में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया गया, ये तीनों आपका करेक्ट है, तीनों में समाजीकरण होता है। हालांकि क्वांटिटी पे डिपेंड कर सकता है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, लेकिन अगर तीनों में मुख्य रूप से देखा जाए सबसे ज़्यादा, तो फ्रेंड ग्रुप जो है वो थोड़ा ज़्यादा सुटेबल यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर डी है आपका, अकॉर्डिंग टू द 2011 डेमोग्राफिक रिपोर्ट देयर इज ए डिफरेंस इन द लिटरेसी ऑफ मैन एंड वुमेन इन इंडिया, तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो क्लियरली विजिबल नहीं होने के कारण आपको यहाँ पे नहीं दिखाया जाएगा, तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे मैन का लिटरेसी एंड वुमेन का लिटरेसी का जो है वो परसेंटेज पूछा गया था, एंड किसके अकॉर्डिंग, 2011 के डेमोग्राफिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो इसका जो आंसर होगा वो 27% होगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट सवाल है आपका, मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, तो देखिए यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है वो अच्छे से विजिबल नहीं है, बहुत पुराना क्वेश्चन होने पेपर होने के कारण जो है यहाँ पे आपको देने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताने का यहाँ पे कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है, मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, यानी कि पुरुष जो है वो महिलाओं की तुलना में ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो ये बात क्या सही है, पहला ऑप्शन है इज ट्रू, दूसरा है मे बी ट्रू, तीसरा जो ऑप्शन है वो है आपका सोज जेंडर बायस यानी कि लिंग पूर्वाग्रह को दिखाता है, एंड फोर्थ है आपका इज ट्रू फॉर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ये बात जो है वो आपका जेंडर बायस को दिखाता है, जेंडर इनइक्वालिटी को
दिखाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जो है वो 8 साल के बिनाव भावे यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर का आंसर बताया तथा 4 साल के BBMK यूनिवर्सिटी का। टोटल अगर देखा जाए तो आपके पास 60 MCQ क्वेश्चन जो आपको मिल चुका होगा, ठीक है। इनमें से बहुत सारे सवाल जो है वो रिपीट किए होंगे, ओके। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड अगर आपके जान पहचान का या फिर आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी एग्ज़ाम में जो है वो अच्छा मार्क्स आए, ओके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।